तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज है होंडा की एसपी साइन 125 सीसी और इस बाइक का हम करेंगे इंजन ऑयल चेंज। तो सबसे पहले आप लोगों को इंजन ऑयल दिखाता हूँ। ये वाला इंजन ऑयल हम बाइक में डाल रहे हैं कास्ट्रोल एक्टिव 1 लीटर और इसकी प्राइस भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो प्राइस इसकी ये है 1 लीटर की प्राइस और यहाँ पे डेट वगैरह पड़ी हुई, ये प्राइस है और यहाँ पे डेट है। तो ये इंजन ऑयल डालने के लिए हमको पुराना वाला इंजन ऑयल निकालना पड़ेगा। जो इंजन में इंजन ऑयल है पुराना वाला वो ड्रेन करते हैं। 12 नंबर का पाना ले लेना है और नीचे एक खाली डब्बा रख लेना जैसे कि मैंने इसमें रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा बोल्ट 12 नंबर का ये लगा हुआ है, ये देखो ये वाले बोल्ट को आप लोगों को खोलना है। तो ज़्यादा जो हमारी होंडा की बाइक होती है उनमें 12 नंबर का ही बोल्ट होता है जो इसी जगह पे होता है। इसको क्या करेंगे हम आगे की तरफ खोलेंगे। देखो जैसे कि मैंने खोला आगे की तरफ, अब ये बोल्ट लूज हो चुका है। तो अब इसको हमको क्या करना है, कुछ इस तरीके से हाथ से खोलना है और इंजन ऑयल जो पुराना है वो निकालना है, खाली डब्बा नीचे रखना है तभी आप लोगों को बोल्ट पूरा खोलना है। तो ये देखो ये इंजन ऑयल जो हमारा पुराना था वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसको पूरा निकलने देते हैं, पूरा निकल जाएगा उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं और उसके बाद इसका इंजन ऑयल चेंज करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हो अपनी बाइक में। तो अभी हमारा सारा इंजन ऑयल निकल चुका है, ये देखो सारा इंजन ऑयल निकल चुका है, हल्का हल्का टपक रहा है। तो चलो इसको भी निकलने देते हैं, निकलने देते हैं। उसके बाद जो पूरा इंजन ऑयल जब निकल जाएगा उसके बाद बोल्ट हमको लगाना है। ये देखो ये बोल्ट है, इसको मैंने कपड़े से क्लीन कर लिया है, कुछ इसी तरीके से कपड़े से क्लीन कर लेना आप लोगों को। ये देखो ये 12 नंबर का बोल्ट होता है, इसमें वाइसर एक लगा होता है जो हमारा वाइसर लगा हुआ है। और अब इसका बोल्ट हाथ से पहले चढ़ाना है, देखो इस तरीके से चढ़ाना, पहले इसको हाथ से चढ़ाना, कुछ इस तरीके से घुमाना है हमको। पीछे का जो रियर व्हील है उस साइड में घुमाना है, खोलने के टाइम पे हमको आगे की तरफ घुमाना और टाइट करने के टाइम पे पीछे की तरफ घुमाना। तो कुछ इस तरीके से हाथ से जितना टाइट होता है उतना कर लेना। अब इसके बाद हमको लगाना 12 नंबर वाला जो पाना, और ये बोल्ट रिंच से मत खोलना, रिंच से मत खोलना, पाना से ही खोलना और इसको टाइट कुछ इस तरीके से करना है। देखो बिल्कुल प्यार से, ज़्यादा ताकत लगाओगे आपकी केसिंग टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो बहुत प्यार से ये बोल्ट को टाइट करना है और बहुत प्यार से खोलना है। अगर टाइट ज़्यादा कर दोगे तो आपकी केसिंग क्रैक हो जाएगी। तो हमारा सारा इंजन ऑयल निकल चुका है, ये देखो निकल चुका है। अब चलो इंजन ऑयल जो हमारा है कास्ट्रोल वाला उसको बाइक के इंजन में डाल देते हैं। तो इसको डालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ आप लोगों को। पहले तो इसको हम खोल लेते हैं और यहाँ से जो इसकी सील है उसको, ये देखो सील पैक है, तो इसको क्या करेंगे हम फाड़ लेंगे, फाड़ लिया। अब इसके बाद में हमको लेना एक प्लास, प्लास मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे ये देखो ये जो गेज लगा होता है, ये देखो ब्लैक कलर का गेज है, इसको प्लास से खोलना है और आगे की तरफ घुमाओगे प्लास लगा के तो ये खुल जाएगा। और उसके बाद हाथ से खोल लेना है, ये गेज हमारा निकल गया। इसी से हमको पता चलता है हमारी बाइक में इंजन ऑयल कितना है। और यहाँ पे अब कपड़ा मार लेना है जो पुराना वाला है, थोड़ा सा वो भी क्लीन हो जाए। इसके बाद ये देखो ये कीप है, कीप लगा लेना है, कीप लगा लेना, क्योंकि अगर आप कीप नहीं लगा रहे हो तो आपका इंजन ऑयल जो वो बाहर ज़्यादा गिरेगा, इंजन में कम जाएगा। और अब हम डाल लेते हैं इसमें पूरा इंजन ऑयल। तो कुछ इसी तरीके से इंजन ऑयल चेंज करना है आप लोगों को। तो चलो अब हम इंजन ऑयल डालते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं आगे क्या करना है। तो सारा इंजन में हमने इंजन ऑयल डाल दिया, अब इसकी कीप निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका जो गेज हमने खोला था उसको कपड़े से करना है क्लीन। जैसे कि ये गेज है इसको कपड़े से पूरा कर लेना है क्लीन, और क्लीन करने के बाद इसको लगा के करना टाइट। पहले कपड़े से क्लीन कर लेना है पूरा, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया क्लीन। अब इसके बाद इसको हम लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ से निकाला था इस जगह से, यहाँ पे निकालते हैं एक बार देखते हैं। ये देखो इंजन ऑयल फुल हो गया है, ये देखो फुल बताने लगा है। और अभी इसको हम कर देते हैं टाइट। तो इसको प्लास से भी टाइट, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना वरना ये प्लास्टिक का होता है टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो गेज है ये भी टाइट हो गया है। और अब बाइक को स्टार्ट करना है, बाइक को स्टार्ट करना है। तो चलो बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इंजन ऑयल तो आप लोगों ने चेंज किया, 5 मिनट जो है बाइक को इसी तरीके से स्टार्ट रखना है, इसी तरीके से 5 मिनट बाइक को स्टार्ट रखना है। बाकी आप लोगों को मैंने बताया कैसे इसका इंजन ऑयल चेंज करना है, तो कुछ इसी तरीके से आप लोग खुद चेंज कर सकते हो। बाकी ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।